सर, एफसी गोवा में ज्वाइन करने से पहले आपने कौन सी टीम में खेला है आपने? मैं उड़ीसा एफसी में था 3 साल इससे पहले, और उससे पहले मैं मनेरवा पंजाब एफसी में था। वहाँ पे मैं 4 साल था, सेकंड डिवीजन 2 आई लीग, 4 साल का वहाँ पे सफ़र रहा मेरा। एफसी गोवा और बाकी जो जिन टीमों में आपने खेला है, आपको फ़र्क क्या लगता है? फ़र्क मैम, हर टीम का अपना अलग प्लेइंग स्टाइल है, अपना अलग इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ अलग रहता है। ऐसा कोई टीम ख़राब या बहुत अच्छा नहीं है, बट आई थिंक एफसी गोवा वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल क्लब्स है इंडिया में, और यहाँ पे यू कैन गेट द बेस्ट कोचेस एंड बेस्ट ट्रेनिंग पिचेस। सो काफ़ी डिफरेंसेस, ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं। इंडिया में फुटबॉल के लिए कौन सी जगह ज़्यादा बेहतर है, जहाँ पर नए खिलाड़ी आ सकते हैं या उनको अच्छे से ट्रेनिंग मिल सकती है? मैम, इंडिया में टैलेंट बहुत है, ऐसा कोई पर्टिकुलर मैं जगह नहीं बोलूँगा, पर मुझे लगता है कि अगर बच्चों को ग्रास रूट से शुरू करा जाए और अच्छे कोचेज़ और अच्छे ट्रेनिंग पेजेस मिलेंगे, तो हर कोने से इंडिया से बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स निकलेंगे। आप गोलकीपर है जी, सो इसमें आपको कौन सी मतलब एस्पेक्ट ऑफ गोलकीपिंग? आई थिंक द मेंटालिटी, एज अ गोलकीपर यू हैव टू बी वेरी कूल एंड काम। आपको हमेशा, बिकॉज गोलकीपर एक ऐसी पोजीशन है कि उसके पीछे कोई बचाने के लिए नहीं है, गोलकीपर के पीछे सिर्फ नेट है तो गोल ही होगा उसके बाद। सो मेंटली गोलकीपर को बहुत स्ट्रांग रहना पड़ता है। और टोटल जो टीम होती है उसमें एज अ टीम वर्क आपको क्या ज़्यादा किस बात पे ध्यान देना पड़ता है, मतलब मेंटली आपको कूल रहने के लिए आप क्या करते हैं? मैं मुझे लगता है कि टीम वर्क होना ही बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपस में अगर सब खुश हैं, सब एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो वो एक टीम में बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है, तो वो चीज़ का बहुत डिफरेंस रहता है। अगर सब एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, और स्पेशली इस बार हमारे कोचेज़ ने भी हमें काफ़ी मोटिवेट करा है ये चीज़ के लिए कि एटलीस्ट वी शुड टॉक टू ईच अदर एंड देयर शुड बी अ स्ट्रॉन्ग टीम बॉन्डिंग, तो मुझे लगता है वो चीज़ का काफ़ी फर्क है। सर, आप 3 मैचेस हार चुके हैं जी, आगे का जो ये है आपके मैचेस है जी, उसकी तैयारी कैसी है? मैम, हारने से ज़्यादा हम जीते हैं एक्चुअली, पर तैयारी ऑलवेज हमारी अच्छी ही रहती है। कोचेज हमारी, हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हर रोज़, और वी गो लाइक फॉर 1 मैच एट अ टाइम। हम आगे का नहीं सोचते हैं, हम अगले 2 मैचेस का नहीं सोचेंगे, हम सिर्फ अपने नेक्स्ट मैच के लिए सोचेंगे कि उसके लिए हमें कैसे प्रिपेयर करना है, और आई थिंक द टीम इज प्रीटी कॉन्फिडेंट। सो लेट्स सी। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।